हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ट्रेनी एनालिस्ट जो कि केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में वैकेंसीज है, एंड ये जो वैकेंसीज है ये स्पाइसेस बोर्ड मुंबई के लिए वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, एंड दीज आर स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट, मतलब SC एंड ST के जो कैंडिडेट्स है तो उनके लिए स्पाइसेस बोर्ड मुंबई में ये वैकेंसीज यहाँ पे निकली है, जिसे हम ट्रेनी इन क्वालिटी इवेल्यूशन लेबोरेटरी ऑफ द स्पाइसेस बोर्ड एट मुंबई। तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है, जो ट्रेनीज की जो टोटल वैकेंसीज है नंबर्स है, ये ट्रेनी एनालिस्ट केमिस्ट्री की 3 वैकेंसीज है एंड ट्रेनी एनालिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो उन्होंने बोली है ये 1 है। बट एज पैनल विल बी प्रिपेयर फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज फॉर दिस फ्यूचर वैकेंसीज। और इस वैकेंसीज के लिए ये ट्रेनी एनालिस्ट, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है केमिस्ट्री के लिए बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और ट्रेनी एनालिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसका मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट है आपका माइक्रोबायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में हो, इंस्टीट्यूट में हो, तो इस ट्रेनी एनालिस्ट केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो क्राइटेरिया है अपर एज लिमिट का, सो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है फॉर दिस ट्रेनी माइक्रोबायोलॉजिस्ट केमिस्ट्री और दिस ट्रेनी के लिए, ट्रेनी एनालिस्ट केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो ये जो अपर एज लिमिट जो है, एलिजिबिलिटी जो है, यहाँ पे अपर एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 25 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट। मतलब जिस दिन आपकी इस पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट हो जाएगी उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन में आपकी जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद है दोज हु आर ट्रेंड अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइसेस बोर्ड, दे आर नॉट एलिजिबल। अगर आप स्पाइसेस बोर्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर आपको आपने ट्रेनिंग लिया है तो एट दैट टाइम यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ट्रेनी एनालिस्ट पोस्ट ईयर। और इसका जो टेन्यूर जो है ये 2 साल का है, और इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि ट्रेनी एनालिस्ट केमिस्ट्री के लिए जो स्टाइपेंड है ये 20,000 पर मंथ है, और ट्रेनी एनालिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो स्टाइपेंड है ये दिस इज ऑल्सो द सेम, दैट इज 20,000 रुपीज पर मंथ। एंड ऑलरेडी जो मैंने बोला है कि टेन्यूर जो है 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के लिए आपको ये, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो स्टाइपेंड आपको 20,000 पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। और लीव एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आपको कोई लीव लेनी है तो एक लीव आपको अलाउड है 1 मंथ में। ये है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉक इन टेस्ट, मतलब वॉक इन टेस्ट के लिए ये उन्होंने टाइम एंड डेट यहाँ पे दी है, तो 13th अक्टूबर 2022, एंड जो टाइम है 11:30 AM to 12:30 PM, दिस इज द दैट लोकेशन और वेन्यू वेयर दैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड हियर, रीजनल ऑफिस स्पाइसेस बोर्ड EL 184 TTC इंडस्ट्रियल एरिया मापे नवी मुंबई मुंबई। एंड ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए, सो दैट एलिजिबल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द टेस्ट दे शुड फिल इन एंड साइन द फॉर्म प्लेस एज एनेक्चर 1 इन दिस नोटिस में जो दिया है, एंड यू हैव टू टेक सम डॉक्यूमेंट्स विद यू व्हेन यू, इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस वॉक इन टेस्ट। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विच इंक्लूड्स आइडेंटिटी प्रूफ, दैट मे बी वोटर कार्ड, दैट मे बी आधार कार्ड, देन यूर प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देन कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है स्पेशली दीज आर फॉर SC ST कैंडिडेट्स, तो इसीलिए ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको बहुत जरूरी है। And you have to also take 1 set of attested photocopies of all these documents. And the number of these trainees indicated, it is a provisional and that can be vary at the time of selection. मतलब ये जो vacancies यहाँ पे दी है ये कम भी हो सकती है या फिर ये vacancies वहाँ पे बढ़ भी सकती है. Okay?
Then this is that you have to follow the COVID-19 protocol or that guidelines which are given by the Ministry of Health and Family Welfare. ओके, तो इस तरह से ये जाहिरात है, मतलब ये नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे. और एंड इफ यू वांट सी, दिस इज द दैट एनेक्सर वन, दैट मींस यू कैन अप्लाई बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट हियर. सो द डिटेल्स टू बी फिल्ड विद सब्जेक्ट एज एप्लीकेशन फॉर एनालिस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये जो पोस्ट एड यहाँ पे दी है, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एड उन्होंने दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे आपको लिखना है. ट्रेनिंग एनालिस्ट केमिस्ट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग एनालिस्ट केमिस्ट्री और एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग एनालिस्ट माइक्रोबायोलॉजी. उसके बाद ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, नेम, फादर और गार्डियन नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ, फोन नंबर, अल्टरनेट नंबर यू हैव टू गिव, ईमेल आईडी, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस ये भी आपको यहाँ पे देना है. देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे लिखना है आपको, तो कॉलम आप वहाँ पे बढ़ा सकते हो. देन डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एंड उसके बाद एनी अदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन. तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में अप्लाई करना है, और ये लास्ट में डिक्लेरेशन. ओके, तो इस तरह से डेट, प्लेस, सिग्नेचर एंड नेम आपका. तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, चाहे वो अलग अलग जॉब वैकेंसीज के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट न्यू वीडियोज. थैंक यू.